चारधाम यात्रा शुरू। केदारनाथ यमुनोत्री के कपाट खुले, पहले ही दिन भारी भीड़ प्रशासन के लिए चुनौती बनी। सीएम धामी ने दर्शन किए। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा आज से शुरू हो गई है। केदारनाथ के कपाट सुबह 6:55 और यमुनोत्री के कपाट सुबह 10:29 पर खोले गए। दोपहर 12:25 पर गंगोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे, जबकि बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन 12 मई से होंगे। केदारनाथ के कपाट खुलने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी अपनी पत्नी के साथ दर्शन के लिए पहुँचे। यहाँ पहले ही दिन हजारों लोगों की भीड़ के कारण अव्यवस्था देखने को मिली। इन चारों धामों पर दिन का तापमान 0 से 3 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। वहीं रात में पारा माइनस में पहुंच रहा है। इसके बावजूद केदारनाथ धाम से 16 किलोमीटर पहले गौरीकुंड में करीब 10,000 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। पिछले साल यह आंकड़ा 7 से 8 हजार के बीच था। यहां करीब 1500 कमरे हैं जो भरे हुए हैं। रजिस्टर्ड 5,545 खच्चर बुक हो चुके हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश में 15,000 से ज्यादा यात्री पहुँच चुके हैं। चार धाम यात्रा के लिए अब तक 22.15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पंजीकरण करा चुके हैं। पिछले साल रिकॉर्ड 55 लाख लोगों ने दर्शन किए थे। केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय के मुताबिक 9 मई की शाम 4 बजे तक बाबा की पंचमुखी डोली केदारनाथ धाम पहुंची। उस वक्त 5,000 लोग मौजूद थे। उधर कल दोपहर 12 बजे माँ गंगा की डोली शीतकालीन प्रवास मुखवा से गंगोत्री धाम के लिए रवाना हुई थी। डोली भैरवी घाट रात्रि विश्राम के लिए रुकी थी। आज सुबह 6:30 बजे डोली धाम के लिए फिर रवाना हुई है। यहाँ कपाट 12:25 पर खुलेंगे। पिछले साल रिकॉर्ड 55 लाख लोग पहुंचने से अव्यवस्थाएं गड़बड़ा गई। इसी से सबक लेते हुए उत्तराखंड पुलिस और पर्यटन विभाग ने पहली बार चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की प्रतिदिन संख्या सीमित कर दी है। पिछले साल चार धाम में रोजाना 60,000 से अधिक तीर्थ यात्री दर्शन के लिए पहुँच रहे थे। पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे के मुताबिक एक दिन में 15,000 श्रद्धालु केदारनाथ धाम, 16,000 लोग बद्रीनाथ धाम, 9,000 श्रद्धालु यमुनोत्री, 11,000 लोग गंगोत्री में दर्शन कर सकेंगे। यानी चार धामों में रोजाना 51,000 लोग दर्शन करेंगे। केदारनाथ धाम के संत अभिराम दास महाराज ने बताया कि हर साल पट खुलने से पहले 12 बजे मुख्य रावल 5 से 6 वेद पाठी ब्राह्मणों के साथ मंदिर में प्रवेश करते हैं। मंदिर बाहर से बंद कर दिया जाता है। फिर गर्भगृह में पंचमुखी विक्रय से मंत्रों के द्वारा ज्योतिर्लिंग में प्राण पुनः स्थापित किए जाते हैं। गर्भगृह की साफ सफाई होती है। भगवान की षोडशोपचार पूजा के बाद कपाट आम दर्शन के लिए खोले जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।